વડોદરાના છાણી વિસ્તારમાં રહેતો 6 વર્ષીય જુહીત નામનો બાળક પ્યોર રેડ સેલ એપ્લેશિયા નામના રેર રોગનો શિકાર થયો છે. તે 9 મહિનાનો હતો ત્યારે તેને આ રોગ હોવાનું સામે આવ્યું. પ્યોર રેડ સેલ એપ્લેશિયા એક એવો રોગ છે કે જેમાં લોહીમાં રક્તકણો બનવામાં નિષ્ફળ જતો હોય છે. આ રોગની સામે લડવા માટે જુહીતને દર મહિને લોહી બદલવાની પ્રક્રિયામાંથી પસાર થવું પડે છે અને આ બીમારીમાંથી છુટકારો ફક્ત બોન મેરો ટ્રાન્સપ્લાન્ટથી જ થઈ શકતો હોય છે. અને આવી પરિસ્થિતિમાં એક સ્વૈચ્છિક સંસ્થાએ જુહીત માટે અનુરૂપ દાતાની શોધ શરૂ કરી છે. સમગ્ર ભારતમાં લોકો સુધી આ વાત પહોંચાડવા આ સંસ્થાએ એક ડિજિટલ ઝુંબેશ પણ શરૂ કરી છે, જેમાં સંભવિત જીવન રક્ષક દાતા પોતાનું નામ નોંધાવી જુહીતના જીવનને બચાવી શકે. એનો છેલ્લો ઉપાય છે બોન મેરો ટ્રાન્સપ્લાન્ટ, અને એ બહુ ખર્ચાળ છે. એના માટે બોન મેરોની જરૂર પડતી હોય છે, ડોનર પાસેથી મળે છે. જેવી રીતે આપણે બ્લડ ડોનેટ કરતા હોઈએ છીએ તેવી રીતે જ આ બોન મેરો પણ ડોનેટ કરવાનો હોય છે. એની પણ એક કાર્ય પદ્ધતિ છે કે જેવી રીતે આપણે બ્લડ ડોનેટ કરતા હોઈએ છીએ તો જેવી રીતે સિરિન્જથી બ્લડ લે છે તેવી જ રીતે બ્લડ જ લેવાનું છે. પછી એમાંથી બોન મેરો અલગ કરવામાં આવતું હોય છે અને બાકીના જે કમ્પોનન્ટ્સ છે, વ્હાઇટ સેલ્સ છે કે પ્લાઝમા છે, એ જે તે ડોનરને પાછા આપી દેવાના હોય છે. હા, આમાં ડોનરને કોઈ શારીરિક તકલીફ કે કોઈ પીડામાંથી પસાર થવાનું હોતી નથી. જેવી રીતે આપણે બ્લડ ડોનેટ કરતા હોઈએ છીએ તેવી જ આ પદ્ધતિ છે, એટલે આમાં ડોનરને કોઈ જ શારીરિક તકલીફ થતી નથી. તો હવે જોઈએ કે પ્યોર રેડ સેલ એપ્લેશિયા નામની આ બીમારી છે શું. તો જુહી ચૌહાણ કો પ્યોર રેડ સેલ એપ્લેશિયા યે બીમારી હૈ. इसका मतलब ये है कि उसके बोन मैरो में रेड सेल बनने की क्षमता कम हो गई है. सो बोन मैरो में 3 तरह के सेल बनते हैं, रेड सेल, वाइट सेल, प्लेटलेट. और इस केस में केवल रेड सेल बनने की क्षमता कम हो गई है और जिसके कारण इसको हर महीने ब्लड को चढ़ाना पड़ता है और वो हर महीने ब्लड चढ़ाने आता है जिससे उसका हीमोग्लोबिन 10 से ऊपर रहे, उसका ग्रोथ अच्छा रहे. अभी ब्लड चढ़ाने के साथ में प्रॉब्लम यह होता है कि जब 8 या 10 ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाए तो उसके बाद में शरीर में आयन की मात्रा बढ़ने लगती है और आयन की मात्रा बढ़ने के कारण वो अधिक आयन जो होता है शरीर में वो हार्ट, लीवर, पिट्यूटरी, पैनक्रियाज इसमें जमा होता है और उसको कम करने के लिए भी उसकी दवा देनी पड़ती है. तो जिसके कारण इन पेशेंट्स को जो ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट होते हैं उनको अपार्ट फ्रॉम ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड तो रिस्क होते ही है, परंतु आयन इंक्रीज होने के कारण भी और शरीर के कई ऑर्गन्स खराब होने का रिस्क रहता है. तो ये पण હવે જાણી લઈએ કે બોન મેરો ટ્રાન્સપ્લાન્ટ એટલે શું. પર ये एक तरह का ट्रीटमेंट है जिसमें पहले जूहित का जो बोन मैरो है वो क्लीन किया जाएगा, जो नए बोन मैरो के सेल्स या स्टेम सेल्स उनको लेने के लिए सक्षम हो जाए ऐसे. और ये सब प्रक्रियाएं साइमल्टेनियसली होती है. जूहित के बोन मैरो को कंडीशनिंग दिया जाएगा और साथ में ही डोनर का बोन मैरो, बोन मैरो मतलब स्टेम सेल्स, हम बोन मैरो में से स्टेम सेल्स लेते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्टेम सेल्स पेरिफेरल ब्लड में से लिए जाते हैं, वो लेके और जूहित को दिए जाएंगे. ये जैसा बोला है उतना आसान नहीं है क्योंकि इस प्रक्रिया में पेशेंट को बोन मैरो ट्रांसप्लांट रूम में एडमिट होना पड़ता है. करीब 1 महीने का एडमिशन रहता है. ड्यूरिंग दिस एडमिशन पहले पेशेंट्स के हीमोग्लोबिन, WBC, प्लेटलेट नीचे जाते हैं और फिर जैसे ही एनग्राफ्टमेंट होता है, मतलब दूसरे जो स्टेम सेल दिए हैं वो जब बोन मैरो में एनग्राफ्ट हो जाते हैं, सफ़ेद कण, प्लेटलेट, रेड सेल और रेड सेल ऊपर आते हैं, फिर पेशेंट का डिस्चार्ज होता है जिसमें करीब 1 से 1.5 महीना लगता है. और हमें जुए के डोनर कौन हो सके. वो सभी पेशेंट्स हो सकते हैं कि जो ब्लड डोनेट कर सकते हैं. सो ब्लड डोनेशन के लिए जो भी क्राइटेरिया है, जैसे कि कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट, थायराइड और उसके अलावा स्वस्थ होना चाहिए, कोई टैबलेट्स चालू नहीं होना चाहिए,
और ऐसे पेशेंट्स को हम ले सकते हैं। पर ओनली डिफरेंस बिटवीन ब्लड डोनेशन एंड स्टेम सेल डोनेशन इज, ब्लड डोनेशन में हम लोग ब्लड ग्रुपिंग का क्रॉस मैच करते हैं, और यहाँ पे जब हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बात करते हैं और स्टेम सेल डोनेशन की बात करते हैं तो उसमें HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन का टाइपिंग होता है और मैचिंग होता है। तो यदि ये 100% 10 एंटीजन होते हैं इस पे, तो 100% जूहित के 10 एंटीजन यदि डोनर के 10 एंटीजन के साथ में 100% मैच है तो उसमें हमको रिजल्ट अच्छा मिलने की गारंटी रहती है। तो ऐसे डोनर यदि पेशेंट के भाई या बहन हो तो 100% मिलने के चांस मैक्सिमम रहते हैं, 1 in 5 20% चांस। माता पिता के साथ 100% मैच होने का चांस होता है 1 in 5000। एंड दूसरे जो अनरिलेटेड लोग हैं, मैच अनरिलेटेड डोनर, उनके साथ मैच होने का चांस होता है 1 in 25000।